तो इस तरह बच्चों पूर्ववर्ती मीन्स प्रेडिसेसर पहले की संख्या ठीक पहले और अनुवर्ती मीन्स ठीक बाद की संख्या। पूर्ववर्ती में 1 माइनस किया जाता है, अनुवर्ती में 1 प्लस किया जाता है। आइए कुछ प्रॉब्लम आपके सामने लिखे होंगे। किसी संख्या की अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याओं का अंतर क्या होगा? आपके पास एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, प्रश्न है। कोई संख्या दी गई है, उसकी अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याओं का अंतर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मान लेते हैं कि आइए इसको देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है 9। 9 एक संख्या है। अब हम इसकी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकाल लेते हैं। पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं। पूर्ववर्ती में क्या हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। और इसकी अनुवर्ती संख्या निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, तो अनुवर्ती संख्या जो होगी इसकी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। आइए बच्चों इसका अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर कितना आ रहा है बच्चों? 10 से 1 सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास कोई संख्या है, उसकी हम अगर अनुवर्ती संख्या निकाल लें और पूर्ववर्ती संख्या निकाल लें और उसको घटा दें, तो घटाने पर जो अंतर आएगा प्यारे बच्चों वो क्या जाएगा? 2 आएगा। कोई भी एक संख्या हो उसकी अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या अगर आप निकालेंगे तो अंतर जो आएगा हमेशा क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नीचे है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या कितने अंकों की होगी? आपके पास 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर उसकी हम अनुवर्ती संख्या निकालें तो कितने अंकों की होगी? तो 5 अंकों की प्यारे बच्चों सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99,999 होती है। अब हम इसकी अनुवर्ती संख्या निकालते हैं। अब इसके अनुवर्ती संख्या निकालते हैं। जैसा कि बताया गया है अनुवर्ती में क्या करते हैं प्यारे बच्चों? 1 प्लस करते हैं, इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हम क्या देख रहे हैं? हमें कितना मिल जा रहा है प्यारे बच्चों? कितना मिल गया प्यारे बच्चों? 1 लाख। इस तरह ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा? 1 लाख मिल जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, प्रेडिसेसर एंड ससेसर। इस तरह 99,999 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो हमें 1 लाख मिल जाएगा। और जिसमें अंकों की संख्या आपसे पूछ रहा है, अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 2 2 मीन अंकों की संख्या जो हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? 6 हो जाएगी। 1 ऐड करने पर 1 लाख हो जाएगा। 99,999 में 1 अगर आप ऐड करते हैं 1 लाख हो जाता है। और 1 लाख में अंकों की संख्या जो आ रही है प्यारे बच्चों 6 आ रही है। ओके बच्चों।